अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के बारे में। एप्पल ने जो एक बहुत ज़बरदस्त लॉन्च इवेंट पेश किया है हमारे सामने, और उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने बताए हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी दिखाए गए हैं और चंद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की बारी बात की गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्पल ने क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इस इवेंट के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारे पास वो चीज़ आ रही है एप्पल की वॉच। एप्पल की वॉच के अंदर क्या नए फीचर्स आ रहे हैं। सबसे पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक फीचर ऐड किया गया है, जिसका कंपनी क्लेम कर रही है कि काफ़ी लो पावर कंजम्पशन होगी। हालांकि स्क्रीन जो है वो हमेशा ऑन रहेगी, जिसकी वजह से बैटरी पे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन जो उसकी ब्राइटनेस है वो जैसे आम यूजेज में होगी उससे थोड़ी कम होगी। दूसरा फंक्शन जो हमारे पास आ रहा है उस वॉच के अंदर वो ये आ रहा है कि उसके अंदर कंपस भी अलाउट की गई है, जिससे काफ़ी नेविगेशन और चीज़ों के अंदर हमें आसानी होगी। दूसरा प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है एप्पल की टैबलेट का, जिसे हम आईपैड भी कहते हैं। तो बिगिनर लेवल पे एक आईपैड निकाली गई है जो कंज्यूमर एंड पे काफ़ी कम प्राइस में हमें अवेलेबल होगी। उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग की गई है, उसका थोड़ा डिस्प्ले बढ़ा दिया गया है, और जो उसकी जो सॉफ्टवेयर पे भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है, जिससे हमें एक अच्छा प्रोडक्ट आएगा। और बिगिनर लेवल पर अगर हम एंट्री लेवल पर स्टूडेंट्स हैं तो उसे $299 की पड़ेगी, वैसे जो आम प्राइस है उसकी $399 है। उसके बाद कुछ सर्विसेज आ रही हैं हमें एप्पल की तरफ से। एक तो एप्पल टीवी प्लस लॉन्च किया गया है नेटफ्लिक्स के मुकाबले में। ये काफ़ी बड़ा स्टेप था कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो जानते थे कि हम खाली जो है हार्डवेयर पे अब रिलाय नहीं कर सकते, और नेटफ्लिक्स क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था तो उसके कंपटीशन में एक वो ला रहे हैं। लेकिन अगर आपने पहले से एप्पल टीवी परचेज़ किया हुआ तो एक साल की जो उसकी मेम्बरशिप है वो फ्री है। दूसरा फंक्शन आ रहा है हमारे पास एप्पल आर्केड का, जिस पर काफ़ी सारी गेम्स हमारे पास अवेलेबल होंगी, और उसकी भी आपको सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ेगी, लेकिन 1 ईयर फ्री है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से एप्पल टीवी या एप्पल के प्रोडक्ट्स ख़रीदे हुए हैं। तो अब आते हैं हम अपनी मेन बात की तरफ, जो कि है एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स। तो जो सबसे पहला मोबाइल फ़ोन है हमारे पास iPhone 11। iPhone 11 जो है वो आप समझ लें कि iPhone XR जो आया था आखिर, उसी की थोड़ी सी अपग्रेडेड फॉर्म है। उसके अंदर भी बैक पे हमारे पास 2 ही कैमरा के सेंसर्स मौजूद हैं, एक जो है वो सिंपल कैमरा है और एक वाइड एंगल कैमरा है। दोनों ही 12 मेगापिक्सल के अंदर हमारे पास आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो नया फीचर आया है उसके अंदर वो आया है प्रोसेसर का। आईफोन ने मार्केटिंग बहुत अच्छी की है इस प्रोडक्ट की, और जो उन्होंने सारे जो ये लॉन्च इवेंट किया उसमें मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। हालांकि कोई ऐसा फीचर ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया कि हम कहें कि ये हमने पहले नहीं देखा, लेकिन उन्होंने यही दिखाया कि सबसे पहले आईफोन में ही आपको मिलेगा। उसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेसर आ रहा है उनका, और A3 की जो चिप लगाई गई है वो उसकी बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग की है, और वो अनडाउटेडली सबसे बेस्ट प्रोसेसर होगा उसके कंपटीशन में आने वाले सब तमाम फ़ोन्स के। तो एक ये बहुत बड़ा जो मार्केटिंग के लिहाज से प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर इसी मोबाइल की हम बैटरी की बात कर लें तो 1 घंटा जो बैटरी है वो ज़्यादा होगी iPhone XR से। तो अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं iPhone 11 Pro का iPhone XS के साथ। तो इसमें यही डिफरेंस आ रहा है कि जो डिस्प्ले का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है iPhone 11 Pro के अंदर। उसके अलावा जो बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग जो उन्होंने की है वो बैटरी की है। बैटरी का जैसे कि आपको पता है कि आईफोन वाले नहीं बताते कितने एम्पियर या एमएएच की बैटरी है, लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने बताया कि 4 to 5 hours जो है वो ज़्यादा बैटरी होगी, और ये बहुत ही ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि आईफोन यूज़र्स के लिए बहुत मसला आ रहा था बैटरी का। और एक सबसे अच्छी जो मुझे इस पूरे लॉन्च इवेंट में लगा है वो है फास्ट चार्जिंग। आईफोन यूज़र्स जितने भी हैं वो आईफोन आई थिंक 7 या 6 से लेके आईफोन 10 तक एक ही छोटा सा चार्जर आ रहा था, और उसे चार्ज करने में पूरी रात लगती थी और वो पूरा दिन भी नहीं निकालता था मोबाइल। तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये बहुत ज़रूरी था, और एक अच्छा जो यानी कि फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन आप बेच रहे हैं उसके अंदर ये आजकल तो ज़रूरत मैं कहता हूँ कि ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि 30,000 के मोबाइल फ़ोन्स के साथ भी फास्ट चार्जर आ रहा है। तो एक फ़ास्ट चार्जर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से मार्केटिंग के एंड पे उनको मदद देगा। उसके अलावा जो हमारे पास अगली चीज़ आ रही है वो आ रही है iPhone X Pro Max की, तो उसका मुकाबला जो है वो XS Max के साथ किया जा रहा है। एक और जो चीज़ आ रही है हमारे पास मेन हेडलाइट वो आ रही है कैमरे की। काफ़ी जो है वो ट्रोल भी किया गया आईफोन को उनके डिज़ाइन के बारे में, और काफ़ी लोगों को ये डिज़ाइन नहीं पसंद आया,
फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगा। इसमें तीन हमारे पास सेंसर्स मिलेंगे, सबसे पहला जो है वो 12 मेगापिक्सल का आएगा, दूसरा जो है हमारे पास अल्ट्रा वाइड एंगल होगा, और तीसरा हमारे पास जो है वो टेलीफोटो लेंस होगा। तो अब इसमें फ़र्क क्या आता है, एक तो हमारे पास बेसिकली ये आएगा कि हमारे पास बिल्ट इन सॉफ्टवेयर कैमरे के अंदर अल्ट्रा वाइड का फंक्शन आ जाएगा, उसके अलावा हम जो जूम है वो भी टेलीफोटो से कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास 4x जो जूम इन और जूम आउट का फीचर है वो आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लें मोबाइल के बॉडी के बारे में, तो मोबाइल की बॉडी जो है पिछली बार थोड़ी ग्लॉसी टच रखा गया था और ग्लॉसी ग्लास यूज़ किया गया था, लेकिन इस बार इन्होंने मेटेलिक फिनिशिंग के साथ आया और जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, वन प्लस 7 प्रो अगर आपने देखा है तो उसके अंदर भी यही यानी कि बॉडी शेप आई है और वो बहुत प्यारी लग रही है। तो इसके अंदर ये देखने को मिलेगा और 4 कलर्स आ रहे हैं हमारे पास, उसमें एक नया जो ग्रीन कलर का इजाफा किया गया और मेरे ख्याल से इस बार वो सबसे ज़्यादा चलने वाला है। उसके अलावा अगला जो हमारे पास मॉडल आ रहा है उसके अंदर भी यही सब फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं जो है आईफोन 11 प्रो मैक्स, काफ़ी लंबा नाम है। तो उसके अंदर हमारे पास एक तो डिस्प्ले का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और दूसरा जो बैटरी टाइमिंग है वो 5 आवर्स ज़्यादा होगी आईफोन एक्सएस मैक्स से। तो यही था हमारा छोटा सा लॉन्च इवेंट का जो हमने सारा निचोड़ निकाल के आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।